मोदी से बदला लेंगे शिवराज, छीनेंगे प्रधानमंत्री पद। विदिशा में शिवराज के तेवरों को देख हाईकमान हैरान। अब सीएम की कुर्सी नहीं, पीएम की कुर्सी पर शिवराज की नजर। शिवराज सिंह चौहान को जितना दबाने की कोशिश बीजेपी हाईकमान कर रहा है, चौहान को लेकर जनता की सहानुभूति उतनी ही बढ़ती जा रही है। आज एमपी में शिवराज की लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा दिखाई दे रही है और इसका नजारा बार बार दिखाई दे रहा है। शिवराज जहां से निकलते हैं प्रदेश की जनता उन्हें घेर लेती है, मामा मामा के नारे लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि 13 दिसंबर को मोहन यादव के शपथ ग्रहण के दौरान भी सभा स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में भीड़ नारे लगाने को तैयार नहीं हुई। वहां भी मामा मामा के ही नारे लगाए जाते रहे। और अब एक वीडियो सामने आया है, ये वीडियो विदिशा का है। बाढ़ वाले गणेश मंदिर में शिवराज सिंह चौहान दर्शन के लिए पहुंचे थे और जैसे ही लोगों को खबर मिली कि शिवराज सिंह चौहान आए हुए हैं, लोगों ने उनकी कार को घेर लिया। लोगों में बीजेपी हाईकमान को लेकर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। लोग नारा लगा रहे थे कि हमें हमारा मुख्यमंत्री वापस चाहिए। इसी बीच महिलाओं की ओर से ऐलान कर दिया गया कि मामा अब तुम सीएम नहीं पीएम बनोगे, यानी बीजेपी हाईकमान के इशारे पर मामा शिवराज की कुर्सी गई है। अब मामा खुद ही बीजेपी हाईकमान बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर शिवराज ने इस्तीफा दे दिया। अब शिवराज उसी कुर्सी पर कब्जा करेंगे जिस पर पीएम मोदी का कब्जा है, यानी शिवराज से सीएम पद लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अब अपने लिए संकट खड़ा कर दिया है। शिवराज ने भी भावुक भाषण दिया और साफ कर दिया जो रिश्ता उन्होंने कायम किया है उसे वो टूटने नहीं देंगे। अब शिवराज की लड़ाई सीएम पद को लेकर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर शुरू होने वाली है। शिवराज हर मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब उनकी लोकप्रियता भी पूरे देश में दिखाई दे रही है। राजनीतिक रूप से भी शिवराज पीएम मोदी से वरिष्ठ हैं। शिवराज की राजनीतिक पारी प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही शुरू हो गई थी। सीएम जरूर मोदी शिवराज से पहले बने हैं, लेकिन बीजेपी में सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान के पास है। और जिस तरह से शिवराज बयान दे रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, उससे साफ है कि शिवराज प्रधानमंत्री मोदी की चुनौती बन गए हैं। और मोदी को चुनौती एक तरफ से नहीं, कई तरफ से मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी में उम्र का बंधन चला तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब कुर्सी खाली करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी 73 साल से भी ज्यादा के हो चुके हैं। 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे, यानी 2024 में वो चुनाव जीतते भी है तो भी वो 15 महीने से ज्यादा वक्त तक पीएम नहीं रह पाएंगे। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से हाईकमान के दबाव में शिवराज को सीएम पद से हटाया गया, उससे संघ भी खुश नहीं था और शिवराज को भविष्य के लिए बड़ा पद देने की तैयारी चल रही है। इस बीच शिवराज को पीएम बनाने के पक्ष में सिर्फ एमपी ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों से भी मांग उठने लगी है। उनको जिस तरह से बीजेपी ने सीएम पद से हटाया है, उसके बाद से शिवराज की लोकप्रियता देश में अब प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे रही है। एमपी में तो खैर शिवराज सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शिवराज को सीएम पद से हटाकर कहीं बीजेपी हाईकमान ने अपने लिए मुश्किलें तो पैदा नहीं कर ली हैं। शिवराज जिस तरह से बोल रहे हैं वो बीजेपी हाईकमान को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाईकमान शिवराज पर नोटिस तक जारी करने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि शिवराज हाईकमान पर निशाना साधने के साथ ही संघ और पार्टी की तारीफ भी करने में जुटे हुए हैं। खुद को सामान्य कार्यकर्ता बता रहे हैं और ये सामान्य कार्यकर्ता अब मोदी सरकार की बड़ी मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।